अगर आपसे कोई मौत मांगे और आपसे कहे कि मेरे मरने से पहले मुझे वीआरएस दिलवा दो, कि मेरे बच्चे को डिपार्टमेंट कुछ नहीं देगा, ये एमसीडी का हम आपको मामला सुना रहे हैं कि एमसीडी के एक एम्प्लॉय मुकेश जी हमारे साथ में है। देखिए, ये डायलिसिस पेशेंट है, किडनी के मरीज है और 8-9 साल से जो ये है किडनी के पेशेंट हैं। एमसीडी में जब लगे थे तभी बिल्कुल स्वस्थ थे और अच्छे होनहार कर्मचारी रहे हैं, मेहनती कर्मचारी रहे हैं, मगर जैसे ही ये स्थायी हुए हैं, स्थायी होने के कुछ साल बाद जो है ये किडनी के पेशेंट जो है वो हो चुके हैं। अब जब बात आती है सुविधाओं की कि एमसीडी के अंदर कैशलेस सुविधा बिल्कुल भी नहीं है और ना ही केंद्र सरकार और बीजेपी सरकार या कोई भी सरकार हो वो कैशलेस सुविधा जो है इतनी गंदगी का काम करने वाले कर्मचारियों को वो कैशलेस नहीं देना चाहते। वो कैशलेस सिर्फ जो साफ़ सुथरा काम करते हैं उनका कैशलेस कार्ड होता है, और जो गंदगी का सबसे ज़्यादा गंदगी का काम होता है जो सफाई कर्मचारी जो करता है उसका बिल्कुल भी कैशलेस कार्ड नहीं है। और ये जो परिवार बैठा है हमारे साथ में, मुकेश जी का जो परिवार बैठा है, ये बिल्कुल हताश है और काफ़ी सालों से इनका इलाज चल रहा है और कर्ज में भी ये डूब चुके हैं, इन्होंने हमें बताया। और एक ऑडियो क्लिप इन्होंने मुझे भेजी जिससे मेरे रोंगटे बिल्कुल खड़े हो गए और मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया कि ये हरिद्वार में थे उस टाइम अपने इलाज के लिए, कहीं पे किसी ने बताया होगा तो ये गए हुए थे, तो मन्नत मांगने भी ये गए हुए थे, मगर इनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। और इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मरने से पहले वीआरएस चाहिए कि क्योंकि मेरा घर जो है वो कर्ज में डूबा हुआ है और ये मरने के बाद डिपार्टमेंट बच्चों को कुछ नहीं देगा, चक्कर कटा कटा के जो है वो ये इनको मार देंगे और थका देंगे, ये थक हार कर जो है वो बैठ जाएंगे और डिपार्टमेंट इनका पैसा खा जाएगा। तो चलिए हम बात करना चाहेंगे मुकेश जी से। मुकेश जी, कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? मैं सर सादा साउथ जोन में वार्ड 220 में हूँ, वहाँ मेरी ड्यूटी है जी। कब से आप काम कर रहे हैं सर? मेरे को 93 से मैं सेवा कर रहा हूँ एमसीडी में। 93 से आप लगे हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। तो आप, आपका पक्के कब से हुआ है? मुझे 2010 में पक्का करा गया है। 2010 में आपको पक्का किया गया था, तो एरियर का पैसा जो मिल चुका होगा? हाँ सर, 2,87,000 रुपये मिले हैं और एक किस्त 40,000 की और एक 60,000 की किस्त मिली है, बस और मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब 2,87,000 एक बार मिला था शुरू में, फिर उसके बाद 1,00,000 रुपया और मिला है, तो हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं मिला? नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, तो चलिए हम उनकी पत्नी हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सरिता है। सरिता जी, हाँ जी। सरिता जी, क्या परेशानी है? मुझे, मेरे हस्बैंड किडनी के पेशेंट हैं, इन्हों के इलाज के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, पैसा मिल नहीं पाता, कर्जा होता जा रहा है। और जब मैंने ये जागो समाज चैनल देखा तो मुझे इससे, अज्ञानी जी का, तो मुझे इससे थोड़ी सी हिम्मत मिली, तो मैं जब इन्हों के पास आई हूँ इसलिए, ताकि मेरे जो हस्बैंड की जो मेडिकल की फाइलें हैं वो भी टाइम से नहीं हो पाती, कम से कम उसका पैसा तो मुझे मिले ताकि मैं इन्हों का इलाज करा सकूं। कर्जा भी बहुत हो गया है, मैं बहुत परेशान हूँ, परेशान होकर ही मैं इन्हों के पास आई हूँ ताकि मेरी इन्हों के कारण कुछ मदद हो सके। कम से कम एमसीडी वाले इतना तो कर सकते हैं कि हमारा मेडिकल का तो फाइलें टाइम से कराएं, वो नहीं हो पाती है। अफसरों के पास फाइलें पड़ी रहती है, 10-10 दिन तक साइन नहीं हो पाते। हम बहुत परेशान हैं, बहुत कर्जे में हैं हम, किराए का कमरा है, बच्चे भी छोटे हैं, कहाँ जाएं हम? हम बहुत परेशान हैं, प्लीज़। तो ऊपर लेवल से अच्छे अधिकारियों की जो है वो हिदायत है, सख्त हिदायत है कि जो कैंसर का मरीज हो, किडनी का मरीज हो, और उसकी जो है फाइल बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं रुकनी चाहिए। फिर कैसे रुक जाती है? बस नहीं, वो जो अफसरों को तो पता भी नहीं चलता, जो नीचे दर्जे के जो हैं वो लोग फाइल आगे भेजते ही नहीं है जी, वो फाइलें दबा के रख देते हैं। जब फाइलें अफसरों के सामने जाएगी ही नहीं तो साइन कहाँ से होंगे? तो अभी आपने जो दवाई गोली जो की है और डायलिसिस कराई है उसमें अभी तक आपका कितना बिल बना है? हमारा तो बिल तो खैर हमारा बहुत बन जाता है, मगर फिलहाल मेरी एक 64,500 की फाइल है जो जिसका अभी तक पैसा नहीं आया। फरवरी के महीने से वो मेरी फाइल, तो फरवरी की फाइल अभी तक अटकी हुई है आपकी, नहीं हो पाई है। और एक फाइल मेरी है पिछले 3-4 महीने से, वो है
उसका भी अभी पैसा नहीं आया, वो फाइल अभी डीसी के रूम से निकली ही नहीं है। ये देखिए, मतलब मेयर साहब जो है लैपटॉप बांटते हैं काउंसलरों को, जबकि उनका ऑफिस अलग से होता है, उनके पास सब कुछ सुविधाएं होती है, सब कुछ सुविधाएं उनको मिलती हैं, फिर भी उनको लैपटॉप दिए जाते हैं, मगर डायलिसिस के जो मरीज है, जो कैंसर के मरीज होते हैं, जो टीबी के मरीज होते हैं, उनको आप पैसा देने से कतराते हैं और उनकी फाइलों को बिल्कुल रोक के रखते हैं। ये अधिकारियों की बड़ी नाकामी है। और आप यूनियन नेताओं के पास भी गए होंगे, आपके तो काफ़ी सारी यूनियनें हैं। हाँ, हम गए थे, उनसे भी कोई हमें मदद नहीं मिली। दो दो महीने फाइल उन्होंने अपने टेबल पे रख के रखी। जब हम गए, हम जाते थे, हम हाथ जोड़ते थे, रिक्वेस्ट करते थे, प्लीज़ हमारी फाइल करा दो, हो जाएगी कहते थे, मगर हमारी फाइल नहीं हुई। फिर हार के दो महीने जब हमें हो गए, हमारा कुछ नहीं हो, फिर हम फाइल खुद लेके आए, फिर हमने खुद अपनी फाइल के लिए हमने भाग दौड़ की, तो हमारी फाइल वो एक अफसर से हो जाती है तो दूसरे अफसर के पास आके अटक जाती है, दूसरे से हो जाती है तो तीसरे के पास 10-10, 15-15 दिन अटक जाती है, तो उससे हम परेशान है बहुत। प्लीज़ ऐसा कुछ हो जैसे कम से कम, जो इतनी बड़ी बीमारी है किडनी की, जिसको हर वक्त पैसे की ज़रूरत है, एक सप्ताह में कम से कम 6-7 हज़ार रुपये हमारा लगता है। एक सप्ताह? हाँ जी, सप्ताह में दो बार डायलिसिस होती है, मंगलवार और शुक्रवार जी। मगर हमारे पास कई बार पैसा नहीं होता तो नहीं हो पाती, जिसके कारण इनों की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं जी। चाहे एक बार हमारे घर में खाने के लिए ना हो, मगर इनों के इलाज के लिए हम कहीं से भी कर्जा करके इनों का इलाज कराते हैं। अब इस कारण हम बहुत कर्जे में हो चुके हैं। हमारी फाइलें प्लीज़ टाइम से हों, ताकि हमें पैसा मिले, हम इनों का इलाज ठीक से करा सकें टाइम टू टाइम। अब इनों के ना ही जैक संग लग पड़े हैं, ना इनों के ताकत के कुछ चढ़ पा रहा है, सिर्फ एक डायलिसिस और दवाइयां ही चल रही है, जिससे कि इनों की कंडीशन थोड़ी ठीक है नहीं इस वक्त। अगर पैसा मिलेगा तो हम इनों के इंजेक्शन भी लगवाएंगे जी। अब वो बहुत महंगा इंजेक्शन है, तो हम बहुत मजबूर हो जाते हैं। आप मकान में कहाँ रहते हैं, क्वार्टर आपको मिला होगा? नहीं नहीं नहीं, हम किराए पर हैं जी। और किराया भी देना, मतलब किराए का मकान, घर में मरीज, और हफ्ते में 7-8 हज़ार तो इनकी बीमारी में लगता है, और बाकी जो है रेंट का अलग हो गया, खाने का अलग हो गया, तो आपका तो बुरा हाल होगा। हाँ जी, बहुत कर्जा हो चुका है हमारे ऊपर, मगर हम फिर भी क्या करें। कई बार मकान मालिक भी आके हमें कहता है कि भाई किराया टाइम से दो, किराया टाइम से दो, मगर हम इनों का इलाज देखें कि मकान का किराया देखें, हम बहुत परेशान हैं। प्लीज़ हमारी कुछ मदद की जाए। अभी आप शायद इनके हाथ में पट्टी है कहीं, अभी सीधा हम हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, इनकी डायलिसिस करा के। जी, डायलिसिस करा के आ रहे हैं इस वक्त। आप देखिए, इनों की अभी 4 घंटे तक ये पट्टी ऐसे ही बंधी रहेगी, अगर हमने बीच में खोल दी तो इसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा जी। इसलिए हम जी, आप क्या क्या डिमांड करना चाहते हैं, किससे रहम की भीख मांगना चाहते हैं? क्योंकि रहम की भीख ही कहेंगे हम, क्योंकि इनके पास अधिकार तो देने के लिए है नहीं, इसलिए हम रहम ही कहेंगे। अगर रहम खा लो तो कम से कम इनका इलाज हो सके और इनका परिवार जो है वो सुखी हो सके। आप रहम कर सकते हैं तो देखिए, आप किन से रहम की भीख मांगेंगे? हम तो सर अपने अपने अफसरों को से ही कहना चाहेंगे बस, कि हमारा काम हमारा टाइम से करवा दें सर। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बस, हमारी फाइलें टाइम से हो जाएं बस जी। बिल्कुल, देखिए कि ये क्या आपसे कोई किडनी नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं जो इनकी फाइलें हैं वो टाइम से जो है, जब ये आपके सामने पेश करे तो उसे तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है वो साइन कराए और उनका इनका जो है ईसीएस करा दिया जाए। क्योंकि किसी से ले देकर जब ये करते हैं तो अगला भी जो है इंतज़ार करता है कब पैसा उसको वापस मिलेगा, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। देखिए, चलिए हम अज्ञानी जी हमारे साथ में, अज्ञानी जी से भी दो बातें चर्चा करेंगे हम। तो अज्ञानी जी है, क्योंकि ये हमेशा तत्पर रहते हैं गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए और उनके अधिकार को दिलाने के लिए, उनका जो रुका हुआ काम है वो कराने के लिए। तो अज्ञानी जी, इस केस को आपने सुना, स्टडी किया, तो आपने आपको क्या लगा? अभी तो आपने पूरा स्टडी नहीं किया है लेकिन इनकी गुहार सुनी है, तो आपको क्या लगा, क्या होना चाहिए? देखिए, मुझे बहुत ही बेहद दुख है इस बात का, और मुझे बहुत ही अफसोस है कि अधिकारी तो खैर नहीं करेंगे, उनको तो बिना डंडे के सुनते नहीं, क्योंकि बहुत मोटी चमड़ी हो रखी है, भ्रष्टाचार इतना है, चरम पे है एमसीडी में। लेकिन जो हमारी यूनियनें हैं और बड़े नामी ग्रामी नेता भी हैं इलाकों में, अगर उन वो भी अगर हमारा लोगों का काम नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा दुख की बात और कोई नहीं है।
तो मुझे इनकी इनकी जो व्यथा सुन करके, ये बेंजी सरिता जी, मुकेश जी आए हैं, उनको देख करके मैं अंदर से खुद हिला पड़ा हूँ कि जो इस तरह के जेन्युइन केस हैं, जेन्युइन मामले हैं और जिनको फौरी एकदम राहत की ज़रूरत है, तो उनको तो अपने आप में ही उनको तो कैशलेस कार्ड पर्टिकुलर आदमी को दे देने चाहिए, जैसे कैंसर और इस तरह की जो बड़ी बीमारी हैं, ये डायलिसिस के मामले हैं किडनी के, तो इनमें तो अपने आप इनको कैशलेस दे देना चाहिए कि भाई आप कहीं से इलाज कराओ और अपना स्वस्थ रहो, अपना काम करो। बहन जी रो रही हैं कि 7-8 लाख रुपया कर्जा हो गया, बच्चे हैं छोटे, किराए का मकान है, दिल्ली जैसे शहर में, और आदमी बीमार है, डायलिसिस पर है, तो कितनी तकलीफ की पीड़ा की बात है। मेरे से आते कह रहे हैं जी हमें VRS दिलवाओ, ये दिलवाओ, कुछ मिल जाए, तो ये सब बड़े दुख की बात है। और हमारे समाज के साथ ये सब इस तरह का हो रहा है पूरे देश में, जबकि MCD में सफाई कर्मचारियों के अलावा दूसरे भी कर्मचारी हैं, जो चाहे गार्डन के हैं, चाहे हॉस्पिटल के हैं, दूसरे ड्राइवर हैं, उन सबको कोई दिक्कत नहीं आ रही, खाली सफाई कर्मचारियों का ही तनख्वाह भी रुकेगी उनकी, उन्हीं के एरियर नहीं मिलेंगे, उन्हीं के अंडर मैट्रिक पैसे नहीं मिलेंगे, उन्हीं के अगर बीमार होंगे तो उन्हीं की फाइलें रोकी जाएंगी। तो ये सब क्या चल रहा है MCD में। तो मैंने अभी इनकी बातें सुनी है और मैं बहुत दुखी हूँ। आज मैं पूरे देश में काम करता हूँ अपने समाज के लिए, और पूरे देश के बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र, हर जगह मैं उनकी सफाई कर्मचारियों की अपनी लड़ाई लड़ता हूँ, मगर ये जो केस आज आया है इसने मुझे अंदर से हिला दिया है कि इसके लिए मैं खास रूप से, अलग विशेष रूप से MCD से लोहा लेना पड़ेगा और इनके लिए विशेष रूप से मैं काम करूँगा और इनको इंसाफ दिलवाऊँगा। और इनको खास तौर पर मैं ये भी आपके चैनल से कह रहा हूँ कि चाहे किसी को मिले या ना मिले, लेकिन इनको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुकेश जी के नाम से इनको मेडिकल कैशलेस कार्ड इनको इशू करना पड़ेगा MCD को, जिससे कि अपना आगे का जीवन ठीक से कर पाएँ और जो बच्चे हैं उनकी शादी ब्याह सब काम करके तब ये बिल्कुल फिट फॉर रहें। इस तरह से हम पूरी कोशिश करेंगे, जो मेरे से बन पड़ेगा कानूनी मैं इनके लिए पूरी तरह मदद करूँगा। जी धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में, देखिए अशोक कज्ञानी जी, और अब आपने इनकी बात सुनी कि ये अंदर से हिल चुके हैं। अंदर से यही नहीं, हम भी हिल चुके हैं। मैं तो इनकी ऑडियो जब मैंने इनकी सुनी तो तभी से मैं हिल गया था कि इतना दर्द इस समाज के अंदर है, सफाई कामगार समाज जो इतनी मेहनत करता है, सुबह अपने बच्चों को छोड़ देता है। इसमें मैं एक बात जी कुछ कहना चाहता हूँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे पास जागो समाज चैनल के माध्यम से 6ठा-7वां केस है, और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जागो समाज चैनल का, सुनील अंजाना जी का, कि आप जिस तरीके से समाज के लिए काम कर रहे हैं और आपके साथ जो चैनल में हजारों लाखों लोग जुड़े हैं जो आपको देखते हैं और वो देख करके और हम तक पहुँचते हैं, जो इतने स्पेसिफिक केस हैं, जो कोई नहीं, जो सबसे परेशान है उसके बाद हमारे पास आते हैं आपके माध्यम से, और मुझे उनकी सेवा करने का, काम करने का मौका मिलता है, और मैं चुनौती के साथ उसको काम, उस केस को लेकर के काम करता हूं जो आपके द्वारा केस आते हैं। तो मैं आपका जागो समाज चैनल को बहुत बधाई देता हूँ, और मैं ये भी आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका चैनल और फले फूले और आप और ताकतवर बने, जिससे कि और समाज तक हमारी बात पहुंच पाए और हम उनकी मदद कर पाए। धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। तो चलिए आज का मैटर इतना ही था कि आज मुकेश जी को जो है वो न्याय दिलाना है, और इनका जो बकाया एरियर है और जो बकाया बिल है, जो आगे का जो इनका इलाज चलना है, उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो, सिर्फ यही हम चाहते हैं। और बढ़ चढ़कर जितने भी यूनियन हैं और जितने भी अधिकारी हैं, वो सभी को इन मुकेश जी जैसे मरीजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि आप काम इन्हीं से कराते हैं तो आपको हेल्प भी इन्हीं लोगों को करना चाहिए। तो चलिए, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।